चलते उनकी मौत। एक और लक्षण क्या बा? इसका लक्षण है कि फीवर हुई, ओकरा बाद में डायरिया हुई, डिसेंट्री हुई, उल्टी हुई, तो यह चलते जो रुआ समाचार देखने कि गाज फेंक के 8 घंटा 10 घंटा में कुत्ता के बच्चा लोग मर जा रहा बा, तो ओकरा पीछे यही कारण बा कि ये जो एक लक्षण बा उल्टी, पैखाना, भूख ना लगना। गोल लगातनी समाचार बक्सर चौगाई से बतुए। नमस्कार, खबर एगो चलेले रहे भोजपुरिया समाचार जौन में बतैले रहे कि लगातार कुकुर के मौत हो रहा बा, आवारा कुत्तन के मौत हो रहा बा, एकरा पर विभाग संज्ञान लेले बा। सबसे पहले जान ली खबर के सहयोग में हमार वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी, हम खुद चंद्रशेखर सिंह पूरा तत्परता के साथ लगनी जाए। कहें से कि एगो नया चीज याद हो गई रहे जौन में लगातार आज तक सैकड़ों के संख्या में कुकुर के मौत हो चुकल बा। जी हाँ, सैकड़ों के संख्या में अनगिनत। भोजपुरिया समाचार के पास से जिला के हर कोना से ऐसा फोन आइल जना में लोग बतावल कि पालतू से लेके आवारा कुत्ता सब कुत्ता मर रहा बने। अब एक पीछे कारण का रहे भोजपुरिया समाचार खबर चले रहे, काल खबर उरा सब देखले हो कब। आज एक निदान खातिर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर फैयाज जी से भोजपुरिया समाचार बात कैलस। डॉक्टर फैयाज जी काल रात में बात भर रहे, तत्परता के साथ लगनी अब पशु चिकित्सक के टीम चौंगाई में भेजनी। पशु चिकित्सक के टीम जगह जगह जाके स्थल के निरीक्षण कैलस, साथे साथ देखलस कि का वास्तु स्थिति बा, कुकुर के मौत के कारण का बटुए। एकरा अलावे लगभग 3-4 जगह जाके भोजपुरिया समाचार टीम के साथे पशु चिकित्सक के टीम गईल आ जाके स्थल के निरीक्षण कैलस, जौन में चौगाई के कई गो मोहल्ला में हलवैया टोला के पास एगो कुकुर के मौत आज ही भई रहा है, वहीजा देखल टीम। एकरा अलावे पहला मोड़ के पास भी टीम गई, कई जगह निरीक्षण कैलस। निरीक्षण के उपरांत सरकारी पशु चिकित्सक कृष्णाराम बतैनी कि ई कुत्ता एगो वायरस के चपेट में बाड़े। जी हाँ, वायरस के चपेट में बाड़े। अभी वायरस का हटुए पार्वो वायरस एकर नाम दिया गया। जी हाँ, पार्वो वायरस के चपेट में ब्रेकिंग खबर भोजपुरिया समाचार दे रहा बटुए। ब्रेकिंग खबर कि पार्वो वायरस के चपेट में ई आवारा पशु आ पालतू पशु दोनों बाड़े। जैसे ही डॉक्टर कृष्णा राम जी अपना क्लिनिक पर पहुँचनी, चौगाई पशु चिकित्सा केंद्र पर पहुँचनी, पहले ही से एक लोग कुकुर लेके, पालतू कुकुर लेके पहुँच गए रहे, जो कि रोरा वीडियो में देख सकीला। ये पालतू कुकुर के उहे हाल बा, 3 दिन से कुकुर खाना नहीं खात। स्थिति बा कि अलस्ट पड़ल बटुए। एक बाद बातचीत भइल कृष्णा राम जी से, तो यहाँ के बतैनी कि पार्वो वायरस फरवरी या मार्च महीना में कुत्तन के रोग होला, जौना के चलते कुत्तन के डायरिया होला, खाना में प्रॉब्लम क्रिएट होला, बुखार होला, इस प्रकार के कनी के बीमारी हो जाला, जौना कारण से एकर मृत्यु हो रहा बा। एकरा पीछे सबसे बड़ कारण यहाँ के बतैनी कि एकरा में इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेला, एक चलते बच्चन के मौत अधिक होता है। तो हालांकि यो एगो वायरस हटुए, यह वायरस के चपेट में अब कहल जाओ कि कुत्ता में भी वायरस के चपेट आ गई बा। पार्वो वायरस एक नाम बतैनी, पार्वो वायरस के चपेट में कुकुर आ गई बड़े। हालांकि भोजपुरिया समाचार के दर्शक लोग बूढ़ा से लेके जवान तक सब कोई बा, लेकिन कबो न सुनले हो कब कि एक गांव में 30-30, 40-40 गो कुकुर के मौत हो गई हुई। लगातार मौत के दर बढ़ रहा बटुए, कुत्तन के मौत हो रहा बटुए। एकरा पीछे कारण बतैनी डॉक्टर साहब कि पार्वो वायरस के चपेट में बा। यहाँ के बतैनी एकर उचित इलाज यह बटुए कि अगर पालतू जानवर बा तो ओकरा के सुई दियाई या 3 दिन तक कुछ खाना ना दी, पानी यानी सलाइन चढ़ा के एकर जान बचावल जा सकता, दोसर कौनो उपाय नहीं है। तो जी हाँ, पार्वो वायरस के चपेट में जिला पशुपालन पदाधिकारी भोजपुरिया समाचार के खबर के असर होगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी टीम गठित करके चौगाई में भेजनी, चौगाई में डॉक्टर के टीम स्थल निरीक्षण कैलस, साथे साथ डॉक्टर कृष्णा राम बतैनी कि पार देख सकीला कौना तरीका से कुत्ता के सुई दिया था, यानी कि कुत्तन के सुई दिया। और उरा बारी बारी से सारा लोग के बयान सुनब कि जा गाँव के ग्रामीण का कहलें और साथे साथ कुत्ता पालक का कहलें, आ पूरा डिटेल में डॉक्टर साहब बताए कि का कारण बटुए कि कुत्तन के मौत होता। सुनी बयान 2 दिन से कुछ ना खेल सर, फिर का हो गया है, सुस्त पड़ रहा था, एकदम सही पड़ रहा था। तो ये कैसे बुझे लगे डॉक्टर के यहाँ ले जाए चाहिए के बोले रवरे तो बलनी है। अच्छा, खबरिया के देख के तो आगे लो हले के डॉक्टर साहब के यहाँ कि भाई क्या हमारा कुकुर का हो गया। हाँ, देखा दिया जाए खाली। अच्छा, क्या नाम पड़ी? आनंद कुमार ठाकुर।
घर चौंगाई रूरा गांव में का होता ही बताएं। हमने गांव में चौंगाई में चारू किनारा जो छोट छोट कुत्ता बड़ा सा बच्चा अच्छा वो सब मर रहा बस पानी गाज लेखा बिग 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 अपना मर जाता शुरू में झापा तरह से अच्छा ओकरा बाद 7 घंटा 8 घंटा के बाद मर जाता रहा कौन गो रूरा महला मरल दू गो मरल बड़ा सा कौन महला पड़ी रहा दुष्टोली महला चौगाई के जी तो का होता है के अंदर शुरू में का होता है शुरू शुरू एकदम झापा तरह से एकदम झपैले लिखा होता है 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा के बाद सब मर जाता रहा पानी गाज बिक के क्या नाम पड़ी रहो पिंटू पासवान पिताजी के नाम श्री राम पासवान घर चौंगाई बड़ा ही विचित्र घटना घट रहा बा रहस्यमय तरीका से कुतन के मौत हो रहा बा देखिए इस मौसम में जो छोटे छोटा छोटा जो कुत्ता लोग है वो मर इसलिए रहा है क्योंकि अभी एक वायरल बीमारी फैली हुई है वो वायरल बीमारी जो है पार्वो वायरस के इन्फेक्शन से हो रही है सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी जो है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो रहा है एकरा चलते और सही तरीके से न्यूट्रिशन ना मिले के अभाव में पोषक ना मिले के अभाव में वो जल्दी से इस वायरस के चपेट में आ जाना है ये चलते उनकी मौत एक और लक्षण क्या बा इसका लक्षण है कि फीवर हुई ओकरा बाद में डायरिया हुई डिसेंट्री हुई उल्टी हुई तो ये चलते जो रुआ समाचार देखनी कि गाज फेंक के 8 घंटा 10 घंटा में कुत्ता के बच्चा लोग मर जा रहा बा तो ओकरा पीछे यही कारण बा कि ये जो एकर लक्षण बा उल्टी पैखाना भूख ना लगना और ओकरा साथे साथे जो कि बच्चा अभी माँ का दूध पी रहा बा वो चलते इम्यूनिटी उतना बूस्टअप ना होने के वजह से इसमें डेथ ज्यादा देखने को मिलता है। अभी एगो और मामला आयल है डुमराव से स्टेशन पे कुकुर मर गिर बड़ कुकुर हाँ तो चूंकि बच्चा के साथ साथ बड़ा जानवर के भी इन्फेक्शन होला एक साथ साथ कुत्ता के अलावा लोमड़ी हो गई सियार हो गई आपको बिल्ली हो गई प्रजाति में भी मिला है चूंकि ये हाईली कंटाजी संक्रामक रोग बा कुत्ता से कुत्ता ओकर पैखाना से ओकर लार से इस बीमारी फैलल है इसमें अगर इलाज अगर ना हो तो 90% से ज्यादा मौत बा मोर्टेलिटी रेट 90% से आदमी के भी खतरा बा ना एकरा से आदमी के कोई खतरा नहीं चाहे पालतू कुकुर में होखो चाहे आवारा कुत्ता में दोनों ना उससे आदमी में कोई तरह का चुनौती नहीं सर ई माने एकर उत्पत्ति पहले से भइल बा कि नया तरीका से पहले से ही ये बीमारी पहले से बीमारी बा बीमारी है इस सीजन में ज्यादा देखने को मिलती है कौन सीजन में ये जो आपका फरवरी मार्च का जो महीना चल रहा है ये मौसम में चूंकि तापमान में उतार चढ़ाव होला ये चलते वायरस के प्रकोप ज्यादा देखने मिले एक चलते ही मौत हो रहा है ये में कोई इस तरह का घबराए वाला बात नहीं है कि मतलब कोरोना का जैसा ऐसा कोई नया बीमारी नहीं है ना पुराना बीमारी जी सर परिचय राउर डॉक्टर कृष्णा कुमार टीबीओ चौगानी।